हेलो चिल्ड्रेन, टुडे सब्जेक्ट इज साइंस, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई? अब कौन से टाइप की अम्ब्रेला यूज करोगे और क्यों? सिंथेटिक फाइबर्स पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। उसमें से ड्रेस मटेरियल बनता है जो पॉपुलर है। दे ड्राई क्विकली, वो तुरंत ही ड्राई हो जाता है। आर ड्यूरेबल, वो लंबा चलता है। लेस एक्सपेंसिव, उसका एक्सपेंस कम है। रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना भी ईजी रहता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। वी विल सी अबाउट एक्टिविटी। Take two cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fibers. दोनों में से एक natural fiber से बना हुआ होना चाहिए। The other could be a synthetic fiber, दूसरा synthetic fiber का। You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. एक कप में same amount of water है, उसमें आप soak करो, भिगो उसको। Take the pieces out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. उसमें से निकाल कर आप सन, जो सन है उसके सामने आप रख दो थोड़ी मिनट के लिए। Compare the volume of the water remaining in each container. Say at the same time, कौन पहले सूख जाता है वो आप देख सकते हो। Do synthetic fibers soak less or more water than the natural fabrics? Do they take less or more time to dry? What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fiber? क्या आपको उसमें से कौन सी characteristic मिलती है? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of this fabric compared to the natural fiber. Synthetic fiber natural के comparison में जल्दी soak हो जाता है, soak less होता है और जल्दी dry हो जाता है। Now we will learn about the plastics. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. Here it is a linear and here B figure, it is a cross-link arrangement. जो प्लास्टिक की अरेंजमेंट होती है। जो अरेंजमेंट हमने देखी वो प्लास्टिक के पॉलीमर की थी। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। उसमें जो यूनिट है उसमें लीनियर भी हमने देखा और क्रॉस लिंक भी देखा। इन सम इट इज अ लीनियर, वेर इन अदर इट इज अ क्रॉस लिंक, जो फिगर में देखा। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर। हियर चेयर, बाल्टी है, ग्लास है, कोई टॉयज है। Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable. आप किसी भी mold में उसको ढालकर mold के shape उसको दे सकते हैं। Can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. Plastic easily recycle होता है, reuse भी होता है, उसको मेल्ट करके रीयूज करते हैं, रीशेप देते हैं, कलर भी दे सकते, चेंज कर सकते हैं, रोल भी होता है इनटू शीट्स और मेड वायर भी बना सकते हैं उसमें से। तो बहुत सारे वेराइटी में वो अवेलेबल होते हैं। हियर यू कैन सी द वेराइटी। नाउ पॉलीथीन, पॉली प्लस इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक, इसका दूसरा नाम है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। जो प्लास्टिक बैग्स हम बोलते हैं उसका नाम पॉलीथीन बैग है। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic article be bent easily? No, not all the type, but some of them. You will observe that some plastic article can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to plastic bottle, it gets deformed. What deformed ho jata hai, melt ho jata hai. Such a plastic which gets deformed easily when heating and can be bent easily are known as thermoplastic. जो हीट देने के कारण वो बेंड हो जाता है या फिर डिफॉर्म्ड हो जाता है, जो उसका फॉर्म शेप होता है वो चेंज कर देता है, तो उसको थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच वेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग।
कोई कोई ऐसे टाइप के होते हैं प्लास्टिक के टाइप जो जिसमें आप हीटिंग करके इजीली सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते हो. दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. वो सेट ही रहता है, इजीली डिफॉर्म नहीं होता है. टू एग्जाम्पल आर बेकलाइट एंड मेलामाइन. बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, मतलब उसमें वाहक होता है बेकलाइट, वो पुअर होती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एटसेट्रा. मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. वो रेजिस्ट करता है फायर को और अदर प्लास्टिक के कंपेरिजन में बेटर टॉलरेट होता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर. जो फायर को रेजिस्ट करता है वैसे किचनवेयर, टाइल्स और फैब्रिक्स बनाया जाता है. फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूसेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. हियर इट इज आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जो इजीली नहीं डिफॉर्म होता है. और हियर इट इज अ आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स दैट इज इजीली डिफॉर्म, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज अ डब्बे. Plastics as materials of choice. Today, if we think of storing of food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastics containers seem most convenient. जो most necessary अभी हो गया है, सारे plastic के डिब्बे में या फिर कोई भी चीज हो तो उसको हम रखते हैं. This is because of the lightweight, lower price, good strength and easy handling. जो easily हम कहीं पे भी handle कर सकते हैं, lower price में भी मिलता है और good strength है उसकी और lightweight है. इसीलिए ज़्यादातर वो use होता है. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. जो lightweight है उसी characteristic की वजह से वो cars में, aircrafts में और spacecrafts में ज्यादा use होता है. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. हमारी डेली लाइफ रूटीन में हम बहुत सारा प्लास्टिक का यूज करते हैं. Now let us discuss the characteristics or property of plastics. Plastic is non-reactive. Let us see. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. जो iron air के उसमें contact में आते हैं तो rust हो जाते हैं. But plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. Corroded नहीं होता है easily. और जो air और water के contact में आते हैं तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, उसका रिएक्शन नहीं होता है. दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स. केमिकल को स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक का यूज होता है. दिस इज द आंसर. दैट इज प्लास्टिक इज वाई नॉन रिएक्टिव. नाउ प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल. वो हमने देखा. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टूडे. ज्यादातर हम अभी प्लास्टिक का यूज करते थे, पहले आयरन और स्टील का ज्यादातर यूज होता था. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर. दैट इज अ लाइट वेट है, स्ट्रांग है, हम ज्यादातर लंबे टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं. दैट इज अ ड्यूरेबिलिटी. सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रांग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स में और इंडस्ट्री में इसका बहुत ही बड़ा यूज होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ. दिस इज योर एक्टिविटी, यू हैव टू डू योर होमवर्क. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है या फिर पुअर कंडक्टिंग है. यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता या फिर बहुत ही कम होती है. दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग. जो इलेक्ट्रिकल वायर का कवरिंग होता है वो प्लास्टिक का होता है. एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. जो हम स्क्रू ड्राइवर है उसका भी हैंडल प्लास्टिक से बनाया गया होता है. एज मेंशन अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक. जो हम कुकिंग में यूज करते हैं फ्राइंग पैन्स, उसका भी हैंडल किससे बना होता है, प्लास्टिक से, क्योंकि हीट पास ना हो. डू यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग, आर्म्स, वाउंड्स, सीरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लोव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. ज्यादातर मेडिकल में जो यूज होता है, सारी जो यहाँ पे बताई गई है, वो सारे आइटम प्लास्टिक में से बनाई जाती है.
स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव ऑन फॉर कुकिंग फूड. माइक्रोवेव ऑन में भी प्लास्टिक की स्पेशल टाइप के प्लास्टिक की कुकवेयर यूज होते हैं. इन माइक्रोवेव ऑन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. दैट इज काइंड ऑफ थर्मो सेटिंग. जो हीटिंग की वजह से फूड बन जाता है हमारा, पर प्लास्टिक के जो कंटेनर होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. तो टेफ्लॉन एक ऐसा मटेरियल है उसके ऊपर ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं रहता है, जो वॉश में भी हमको इजीली रहता है. और नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, उसको नॉन स्टिक कोटिंग किया जाता है जो कुकवेयर के ऊपर, उसको टेफ्लॉन का मटेरियल का होता है.